हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न स्पेशल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है, कंपनी सेक्रेटरी में कौन कौन से लेवल्स होते हैं और सीएस प्रोग्राम का फी कितना होता है। और इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होता है सीएस प्रोग्राम करने के लिए और CSEET का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे दिखने वाले बेल आइकन को भी दबा ले। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है। कंपनी सेक्रेटरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी लॉ का एक्सपर्ट होता है जो कंपनी के लीगल एक्टिविटीज को मैनेज करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी डेवलप करना एक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। तो एक कंपनी सेक्रेटरी का काम काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप CS बनना चाहते हैं तो आपको ये सब बात पता होनी चाहिए। और CS प्रोग्राम को ICSI के द्वारा कंडक्ट किया जाता है जिसका पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता है। तो बात करते हैं लेवल्स की कि कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए कौन कौन से लेवल्स को क्लियर करना होता है। तो बेसिकली इसमें तीन लेवल्स होते हैं। जो पहला होता है वह CS एग्जीक्यूटिव इंट्रेंस टेस्ट जिसे CSEET बोला जाता है, और जो दूसरा होता है वो CS एग्जीक्यूटिव होता है जो 9 मंथ का होता है, और जो तीसरा है वो CS प्रोफेशनल होता है जो कि 15 मंथ का होता है। तो बात करें CS एग्जाम्स की, तो CS का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में, जुलाई और नवंबर के महीने में होता है। बात करते हैं कि CS प्रोग्राम का फी कितना होता है और एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो CS प्रोग्राम को आप 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 12th के बाद CS करने के लिए कितना फ़ी लगता है। तो CSEET का जो फ़ी है वो 1000 रुपये है, और CS एग्जीक्यूटिव का 10,100 रुपये है, और CS प्रोफेशनल का 13,000 रुपये है। तो अगर आप 12th के बाद CS करते हैं तो आपको इतना कॉस्ट लगेगा। अब बात करते हैं कि आप डायरेक्ट CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपका किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स से क्वालिफाई है तो आप डायरेक्ट CS एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, CA फाइनल पास आउट है, CMA फाइनल पास आउट है तो आप डायरेक्ट CS एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हैं। बात करें फ़ी की कि CS ग्रेजुएशन के बाद करने पे कितना फ़ी लगता है, तो CS एग्जीक्यूटिव का जो फ़ी है वो 15,100 रुपये है, और CS प्रोफेशनल का 13,000 रुपये है। और अब बात करते हैं कि CSEET का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों जो पहला है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन, और जो दूसरा है वो है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, और जो तीसरा है वो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, और जो चौथा है वो है करेंट अफेयर, प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं CSEET के इंट्रेंस एग्जाम में, जो कि 50-50 मार्क्स के 4 होते हैं, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। और अगर बात करें क्वालिफाई मार्क्स की, तो इच सब्जेक्ट मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, और एग्रीगेट मार्क्स 50% होनी चाहिए CSEET को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, फ्रेंडों के साथ शेयर कर दे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे दिखने वाले बेल आइकन को भी दबा दें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।